ये है मेरी 2 मंथ की स्किन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने बीच बीच में ये सारे पिक्चर्स लिए हैं। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल टाउन कुड़ी और मैं हूं रुखसार। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं माय 2 मंथ एक्सपीरियंस विद डर्माको के 2% कोजिक एसिड सीरम के साथ। इसको मैं 2 मंथ से रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूं अपने नाइट टाइम स्किन केयर में गाइज। एंड सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस हद तक यूज किया हुआ, आप देख सकते हैं नीचे यहाँ तो ग्लास है बट ये जरा सा बचा हुआ है गाइज एंड ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सो मैंने सोचा कि इससे पहले ये खत्म हो जाए जल्दी जल्दी से इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। पहले मैं बात करने वाली हूँ कि कोजिक एसिड होता क्या है और ये स्किन पे कैसे काम करता है। तो कोजिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन लाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई बार पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, डार्क स्पॉट को कम करने के लिए और स्किन को ब्राइटन करने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा सेफ इंग्रेडिएंट माना जाता है गाइज। ये थोड़ा सा स्लो करता है स्किन पे बट इसका कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो आपके स्किन पे नजर नहीं आता है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसको खुद रिकमेंड करते हैं गाइस एंड इसका जो परसेंटेज है वो कम से कम 2% रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि अगर आप इससे कम परसेंटेज जो है इसका यूज करेंगे तो वो आपके स्किन पे उतना ज्यादा असरदार नहीं होगा। लेकिन अगर आप 2% वाले कोजिक एसिड सीरम को या फिर क्रीम के फॉर्म में या फिर कुछ और फॉर्म में यूज करेंगे तो वो ज्यादा असरदार माना जाता है। तो जब भी आप इसको यूज करें तो 2% कम से कम कोजिक एसिड होना चाहिए। तो इस तरह से कोजिक एसिड हमारे स्किन पे काम करता है। अब गाइस, ये जो कोजिक एसिड होता है ना वो स्किन में बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट इंग्रेडिएंट के रूप में माना जाता है और ये कोई भी स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं। इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है बट फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जिसमें कोजिक एसिड है, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो उसका पैच टेस्ट जरूर कर ले यूज करने से पहले। तो गाइज, अब मैं बात करने वाली हूँ डर्माको के 2% कोजिक एसिड सीरम के बारे में। तो ये जो सीरम है गाइज, इसके अंदर 2% कोजिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इसके अंदर 1% अल्फा आर्ब्यूटिन का इस्तेमाल किया गया है। तो अल्फा आर्ब्यूटिन भी एक स्किन लाइटनिंग एजेंट माना जाता है जो कि स्किन को लाइटन करने में, ब्राइटन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ऑल्सो डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन को भी कम करने में वो हेल्प करता है, जो कि इसके अंदर 1% के रूप में डाला गया है। इसके अलावा गाइज, इसके अंदर नासनामाइड भी डाला गया है जिसका परसेंटेज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो नासनामाइड होता है वो बहुत ही ज्यादा सेफेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है, स्किन फ्रेंडली माना जाता है और किसी भी स्किन टाइप पे वो बहुत ही इजीली चला जाता है। स्किन में जो भी मतलब कि प्रदूषण या फिर पॉल्यूशन के वजह से जो भी डेड स्किन सेल्स हो जाते हैं या फिर जो स्किन डल दिखती है उसको नासनामाइड दूर करता है और बहुत ही ज्यादा उसके गुण है। अगर मैं एक एक बताती जाऊँ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो इसके अंदर काफी सारे अच्छे कॉम्बिनेशन वाले इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जो कि आपके स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। प्राइस के बारे में बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो है 30 ml की 499 rupees और ये आपको हमेशा Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple और बहुत सारे वेबसाइट में मिल जाएगा। एंड गाइज, अगर मैं इसके फ्रेग्रेंस के बारे में बात करूँ तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी शुरू में जब मैं इसको यूज़ करती थी तब, बट जब मैं इसकी यूज टू भी हो गई तो मुझे इसकी आदत पड़ गई एंड उसके बाद उतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगने लगा, महसूस नहीं हुआ कि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा वियर्ड। गाइज, इसको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा इसको नाइट टाइम में ही लगाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोजिक एसिड है जो कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है एंड जब आप एक्टिव इंग्रेडिएंट अपने स्किन पर लगाते हो ना तो वो स्किन को थोड़ा सा सेंसिटिव कर देती है। तब उस टाइम पे ना आपको कभी भी सनलाइट पे डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, कभी भी आपको रूम टेम्परेचर से ज्यादा वाले जगहों पे नहीं जाना चाहिए, लाइक आपके किचन हो गए या जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या फिर धुआं है, तो डायरेक्टली आपके अपने स्किन पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है एंड उससे आपकी स्किन जो है वो साइड इफेक्ट आपकी स्किन पे हो सकता है, फोटो सेंसिटिव बेसिकली हो जाती है हमारी स्किन। इसलिए ऐसे टाइम पे ना आपको क्या करना चाहिए कि दिन के टाइम पे एक अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाना चाहिए जो कि कम से कम 50 SPF का होगा। मैं जो हूँ ना डर्माको का ही हाइलुरोनिक सनस्क्रीन यूज करती हूँ जो कि 50 SPF के साथ आता है, प्लस उसमें जो है ब्लू लाइट से भी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, तो मैं वही वाला यूज कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो, बहुत ही अच्छा है, वाइट कास्ट बिल्कुल नहीं देता है। उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सनस्क्रीन लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं इसको हमेशा नाइट टाइम में ही प्रीफर करती हूँ। एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा इसको नाइट टाइम में लगाएं। वैसे ये डे टाइम में अगर आप लगाते हैं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, नाइट टाइम में लगाते हैं तो रात में लगाने टाइम आपको इसके बाद सनस्क्रीन नहीं लगाना है, बट नेक्स्ट डे जब भी आप उठे फेस वॉश करें तो उसके बाद सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगा। बात करूँ कि इसको आपको कैसे लगाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से फेस को वॉश कर लेना है। आप फेस वॉश कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं जो हूँ ना वो 1% कोजिक एसिड वाला फेस वॉश यूज़ करती हूँ, जो कि डर्मा को का ही है। मैं साइड में इमेज डाल दूंगी या फिर आपको प्रोडक्ट शो करवा दूंगी कैसा प्रोडक्ट है। देन उसके बाद अच्छे से पैड ड्राई कर लेना है। अगर आपके पास रोज़ वाटर या फिर कोई भी रोज़ वाटर या फिर टोनर है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हो। देन उसके बाद आपको 1-2 मिनट के बाद इसको लगाना है, और इसको लगाने के बाद डैप डैप करके उसके बाद आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाना है, दैट्स इट। और आपको कुछ भी नहीं लगाना है नाइट टाइम में। डे टाइम में अगर लगाते हो तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। इसकी पैकेजिंग आपको दिखाना भूल गई थी। इसकी जो पैकेजिंग है आउटर बॉक्स इस तरह के कार्टन के बॉक्स में आती है गाइज, एंड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल सब कुछ अच्छे से मेंशन है। एंड देन उसके बाद इसकी जो इंटरनल पैकेजिंग है वो कुछ इस तरह के ग्लास के बॉटल में है गाइज, एंड इसके अंदर कोई भी पैराबीन नहीं है, सल्फेट नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, कोई भी डाई नहीं है, और ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड प्रोडक्ट है। सो गाइज अगर मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है गाइज बिल्कुल वाटरी कंसिस्टेंसी का है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि पानी टाइप का है। बिल्कुल आपके स्किन पे ये हेवी फील नहीं करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रनी कंसिस्टेंसी का है एंड क्विक एब्जॉर्ब भी हो जाता है आपके स्किन पे। नाउ गाइज अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसके जो कॉम्बिनेशन है ना, लाइक इसके अंदर जो अल्फा अल्ब्यूटिन है या नायसनामाइड है, वो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्किन लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग करने के लिए, पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए, और इसलिए ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बस इसका थोड़ा सा स्मेल वेयर्ड है, अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट है बहुत अच्छा और बिल्कुल ना ऑयली नहीं लगता आपकी स्किन पे, हेवी नहीं लगता, क्विक एब्जॉर्ब भी हो जाता है। और मेरी स्किन पहले से मुझे काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्लम्पी लगती है, यंग लगती है, सॉफ्ट लगती है, सप्पल लगती है। लेकिन पिगमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो पिगमेंटेशन माउथ के अराउंड मेरी थोड़ी सी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें महसूस नहीं हुआ। अभी भी पिगमेंटेशन विजिबल है, बट हाँ पिगमेंटेशन थोड़े से कम ज़रूर हुए। मैं अपने स्पॉट्स के बारे में बात करूँ गाइस, जो कि मुझे चिक एरिया पे हो गए हैं, तो इसने उतने ज़्यादा मेरे डार्क स्पॉट को कम नहीं किया है, अभी भी विजिबल है। बट यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस कि मैंने अपने जब डॉक्टर से बात किया था, स्किन केयर के डॉक्टर से के पास मैं गई थी, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये जो स्पॉट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं और वो डीपर लेयर तक चले जाते हैं, तो आप सिर्फ 2 महीना कोई प्रोडक्ट यूज़ करके या 4 महीना कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करके रिजल्ट नहीं पा सकते हो। थोड़ा बहुत लाइट हो जाएगा वो बात अलग सी है, बट स्किन केयर के जो इश्यूज़ है, जो प्रॉब्लम है, वो सालों साल चलते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो बस इसी चीज़ को मैं मद्देनज़र रखते हुए बोलूँगी यही कि ये जो प्रोडक्ट है गाइस ख़राब नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट है, बट इसको थोड़ा आपको टाइम देना होगा, जैसे कि मैं दे रही हूँ। बट ये जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, तो क्योंकि एज अ यूट्यूबर मैं बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ट्राई करते रहती हूँ ताकि अच्छा आपके साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ एंड ऑनेस्ट आप लोगों के साथ रहूँ, तो अब मैं दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच करूँगी। बट अभी जब तक मैंने इसको यूज़ किया, प्रोडक्ट अच्छा है, तो आप इसको ले सकते। सो गाइज दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब मैं आती हूँ किसी अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।